दोस्तों गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार आपका गुरुकुल पॉइंट में स्वागत करता हूं और आप सभी दोस्तों को आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध की जयंती के उपलक्ष में आपको ढेर सारी शुभकामना भी देता हूं। और आज स्पेशल क्लास गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित क्लास आपको बौद्ध धर्म से चलाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज इतिहास का जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी जो प्राचीन सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई यानी वैदिक सभ्यता, वो दो भागों में बटी थी। पहला ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। यानी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक की संपूर्ण काल को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वो दो काल खंडों में बटा, ऋग वैदिक काल यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ऋग वैदिक काल में ये सारी सामाजिक संतुलन बहुत अच्छा था। उत्तर वैदिक काल तक जाते जाते हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियों ने जन्म ले लिया। विधवाओं का पुनर्विवाह पे रोक, सती प्रथा और अनेक प्रकार से बलि प्रथा और अनेक प्रकार से अंधविश्वास और बहुत सारे सामाजिक असंतोष पैदा हो गए। और उन्हीं असंतोष को खत्म करने के लिए हमारे देश में विभिन्न धर्मों का उदय हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म और बहुत सारे धर्मों का उदय हुआ। तो उसमें जो प्रमुख धर्म है बौद्ध धर्म, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के विषय में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गौतम बुद्ध और इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिल नेपाल के कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम जो था वो क्या था, सुद्धोधन था। माता का नाम था महामाया और इनके मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ और बाद में जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो इनका नाम पड़ गया बुद्ध, ठीक है दोस्तों। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। जब इनका जन्म हुआ तो उनके सातवें दिन बाद ही इनकी माता जो महामाया थी वो मर गई। तो इनका लालन पालन जो किया वो इनकी माता प्रजापति गौतमी ने किया। तो दोस्तों ये इनका पारिवारिक जो था ये परिचय था कि इन्हें लाइट ऑफ एशिया के भी नाम से जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था, ठीक है, और जन्म के सातवें दिन बाद इनकी माता जो है महामाया मर जाती है और इनकी मौसी प्रजापति गौतमी इनका पालन पोषण करके बड़ा करती हैं। दोस्तों ये माना जाता है कि एक बार इनके पिता सुद्धोधन जो थे वो एक सम्राट थे और इनको एक किसी विद्वान या फिर किसी क्या बोलते हैं जो हाथों देखते हैं ऐसे टाइप के कुछ लोग थे जिन्होंने बताया कि महाराज सुद्धोधन आपका पुत्र जब बड़ा होगा तो यह वैराग्य धारण कर लेगा। तो महाराज सुद्धोधन बहुत व्यथित हुए कि हमारा एक ही राजकुमार है और ये हमारा राजपाट चलाने के बजाय ये वैराग्य धारण कर लेगा, गृह त्यागी हो जाएगा, तब तो हमारा राजपाट कौन चलाएगा। तो उनकी ये घटनाएं ना होनी पाए, वैराग्य धारण गौतम बुद्ध ना करने पाए, उनका सारों सब सज्जा और सारी व्यवस्था महल के अंदर ही कर दिया गया। यानी कि खाने पीने की व्यवस्था, घूमने फिरने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था सब महल के अंदर था। बाहर की दुनिया से अनजान रखा गया कि न बाहर जाएंगे न वैराग्य की भावना ग्रहण करेंगे। तो इसी को देखते हुए उन्होंने, इनके पिता ने कम उम्र में ही 16 वर्ष की आयु में इनका शादी कर दिया। किसके साथ, यशोधरा नामक राजकुमारी के साथ इनका शादी कर दिया। अक्सर क्या करते हैं लोग कि बच्चा अपने परिवार में उलझ जाए तो इसके लिए उन्होंने शादी कर दिया कि मोह माया में फंस जाएगा तो वैराग्य की भावना इसकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और फिर ये जो है इनके पुत्र राहुल का 28 वर्ष की जब इनकी आयु थी इनके राहुल का जन्म हुआ और 29 वर्ष की आयु में ही
गृह त्याग हो गए, वैराग्य की भावना आ गई। ठीक है, क्यों आई? देखिए दोस्तों, जिसको जो बनना रहता है ना उसे कोई रोक नहीं सकता है। एक बार ये अपने महल में थे और हमेशा उदास रहते थे। एक बार अपने सारथी से कहे कि चलो आज बिना पिता को बताए मुझे बाहर लेके चलो। सारथी डरने लगा, लेकिन चूंकि राजकुमार का आदेश था तो अवहेलना भी नहीं कर सकता था। तो फिर वो क्या किया कि उनको बैठाया रथ से और लेके चलने लगा। व्यतीत हो गए थे कि बाहरी संसार कैसा है। तो जब गए तो उन्होंने बाहर देखा कि एक कोई वृद्ध व्यक्ति है। दोस्तों, जो जीवन भर कभी कुछ देखा नहीं था कि जन्म मरण क्या होता है, वृद्ध क्या होता है, क्या दुनिया है, उन्होंने पहली बार जब देखा एक वृद्ध व्यक्ति तो बड़े व्यथित हो गए कि आदमी कैसा है। तो उन्होंने पूछा, अपने सारथी से पूछा, यह व्यक्ति कैसा है, क्यों ऐसा दिख रहा है? तो सारथी ने कहा कि राजकुमार, यह व्यक्ति अपना जीवन पूर्ण कर चुका है और ये वृद्धावस्था में आ गया है। कहे क्या मैं भी एक दिन वृद्ध हो जाऊंगा? उन्होंने कहा हाँ। तो उनका मन बड़ा व्यथित हुआ। फिर कुछ दूर आगे बढ़े तो उन्होंने एक रोगी को देखा जो दर्द की पीड़ा से कहार रहा था, मतलब तड़प रहा था। तो उन्होंने कहा रथ रोको, ये आदमी चिल्ला क्यों रहा है, रो क्यों रहा है? उन्होंने कहा राजकुमार, यह व्यक्ति जो है इसे शारीरिक पीड़ा हुई है, रोग है, और रोग के कारण इसे पीड़ा हो रही है इसलिए रो रहा है। तुमने क्या मुझे भी हो सकता है? कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है। वो और व्यतीत हो गए। फिर सारथी कुछ देर आगे बढ़ा तो फिर एक मृतक व्यक्ति को देखा, यानी वो जो कंधे पे रख के लाश को लेके जाते हैं दाह संस्कार के लिए। यह दृश्य देख कहा रुको रुको, ये आदमी को कहाँ लेके जा रहे हैं? कहे कि राजकुमार, यह व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन जी चुका है और यह मर चुका है, अब इसके अंदर प्राण नहीं है, इसे लोग ले जा रहे हैं दाह संस्कार के लिए। कहे क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मर जाएंगे, आप भी मरेंगे, मैं भी मरूंगा, पूरा संसार में जो भी पैदा हो सब लोग मरेंगे। इनका मन बड़ा व्यथित हो गया और व्यथित होने के बाद फिर कुछ दूर आगे गए तो एक व्यक्ति को देखा जो बड़ा प्रसन्न था, अपना बजाते हो जाते भक्ति करते हुए गाना गाते हुए जा रहा था। ये व्यक्ति कौन है जो बड़ा प्रसन्न दिख रहा है? अब तक तो तीनों को देखे तीनों बड़े दुखी थे, ये कौन व्यक्ति है जो बड़ा प्रसन्न है? तो कहा राजकुमार, यह जो व्यक्ति है यह सांसारिक मोह माया त्याग चुका है और ये ईश्वर की भक्ति में लीन है इसलिए प्रसन्न है। कहा रोको यहीं, अब रोक दो यहीं। और रोकने के बाद उन्होंने कहा तुम जाओ। तो घबरा गया, भाई बिना आपको लिए जाएंगे तो राजा मुझे मृत्यु दंड देंगे। कहे बिल्कुल नहीं देंगे, तुम जाओ, अब मुझे, मैं बहुत दुखी हूं, इस संसार में दुख ही दुख है और इस दुख का कारण होगा कुछ न कुछ, और मैं उस कारण का पता लगाऊंगा और जाके पिता से कहना कि आपका पुत्र अब वैराग्य धारण कर चुका है। और वहीं से वो चल देते हैं, वहां अपना राजसी जो वस्त्र होता है त्याग करते हैं, केस अपना बांधते हैं, खोलते हैं, मुकुट रखते हैं, और एक जो वो जो साधु महात्मा लोग गेरुआ वस्त्र पहनते हैं उन्होंने वो वस्त्र धारण किया और जाते जाते बिहार पहुंच गए। बिहार एक अपना जो बिहार है वहां एक जगह का नाम है बोध गया, वहां गए, एक नदी वहां पे है निरंजना नदी, उसी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने घोर तपस्या किया और तपस्या करते करते इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है, और तब से इनको सारी समस्याओं का ज्ञान प्राप्त किए और प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में और सबसे अधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में, यानी अयोध्या का जो क्षेत्र था वहां पे सबसे अधिक इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। इन्होंने लोगों को बताया कि मतलब क्या इस संसार में दुखी दुख है। बुद्ध ने कहा कि संसार दुखी दुख है और इन दुख का कारण है, और वो कारण है मनुष्य की तृष्णा। तृष्णा मीन्स होता है लालच, और मनुष्य अपनी तृष्णा का त्याग तो नहीं कर सकता है लेकिन उसे सीमित करके एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। और गौतम बुद्ध ने एक धर्म बनाया जिसे बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोग उस धर्म से जुड़े और उन्होंने लोगों को उपदेश देते थे तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से उपदेश देते थे, और यह आगे चल के बहुत ही व्यापक रूप पकड़ लिया और बौद्ध धर्म जो है बड़ा विस्तार होने लगा।
एक बार की कहानी है, सम्राट अशोक का युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध। उस कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार देख के, यानी लाशें उस खून पे, उस जहां रणभूमि था वहां पे तैर रही थी, इसको देख के सम्राट अशोक जो था, मौर्य वंश का शासक था, वो काफी व्यथित हो गया। और व्यथित होने के बाद जो है उन्होंने क्या कर लिया कि गौतम बुद्ध के शरण में गए और गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म को अपनाया। और आगे सम्राट अशोक ने अपनी पुत्र और पुत्री संगमित्रा को और अपने पुत्र को भारत के अलग अलग जो पड़ोसी देश है वहां पे भेजा, श्रीलंका, म्यांमार और बहुत सारे जगहों पे भेजा, और बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया। भारत में भी बहुत सारे शिलालेख लिखवाए, बहुत सारे स्तूपों का निर्माण करवाया, बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। तो ये हमारा बौद्ध धर्म था। यहाँ से गौतम बुद्ध ने कुछ उपदेश दिए थे, अष्टांगिक मार्ग दिया था। यहाँ प्रश्न आपसे आता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग यानी कि बौद्ध धर्म में आठ प्रकार के रास्ता बताया गया था। उन रास्ता बताने पे दोस्तों बौद्ध धर्म से गौतम बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं हैं, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। जैसे गृह त्याग, गृह मतलब जब वो घर त्याग दिए तो उसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि के नाम से जाना जाता है। और प्रथम उपदेश जब उन्होंने सारनाथ में दिया था तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और देहांत और निर्वाण को महापरिनिर्वाण या निर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछेगा कि गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म के किस नाम से जाना जाता है, महाभिनिष्क्रमण के नाम से, ज्ञान प्राप्ति संबोधि के नाम से, प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से, और देहांत और निर्वाण महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि त्रिपिटक किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और देखिए यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बड़ी समानता पाई जाती है, इसीलिए बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। पूछ देगा त्रिरत्न किससे संबंधित है, तो वो जैन धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक पूछ दे तो बौद्ध धर्म से संबंधित। इसमें तीन चीजें लिखी गई है, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अधिधर्म पिटक, ठीक है। तो जहां भी पिटक शब्द आए समझ जाइए बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। आगे दोस्तों, अब इसके बाद जो है बौद्ध धर्म जो था बड़े व्यापक स्तर पे चला, और बाद में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था हीनयान और महायान के दो भागों में। बहुत सारे धर्मों का उदय हुआ, बाद में जब उनके प्रवर्तक जो थे वो नहीं रहे तो उनके अनुयायियों ने उसको अलग अलग रूपों में विभाजित हो गया। जैसे इस्लाम धर्म शिया और सुन्नी में विभाजित हो गया, बाद में जाके जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जाता है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म का संगीतियां की जाती थी, आयोजन किया जाता था, बड़े व्यापक स्तर पे किया जाता था, तो उसे बौद्ध संगीतियां के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह बिहार में हुआ था, ठीक है। और इस किसके शासन काल में हुआ था, हर्यक वंश का शासन था, अजात शत्रु उस समय शासक था, और इसके अध्यक्ष इस आयोजन के बनाए गए थे महाकश्यप, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था 483 ईसा पूर्व में, किस जगह हुआ था, राजगृह बिहार में हुआ था, शासन का शासक कौन था, अजात शत्रु था, किस वंश का शासन था, हर्यक वंश का था, कौन अध्यक्ष थे, महाकश्यप थे। इसी प्रकार से द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली, ये भी बिहार में हुआ था, कालाशोक राजा था शिशुनाग वंश का, और उसके अध्यक्ष साप कबीर बनाए गए थे, ठीक है। और तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था, जो मगध की राजधानी हुआ करती थी, यह सम्राट अशोक के शासन काल में हुआ था, जो मौर्य वंश के शासक थे, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे मोगलिपुत्री। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तीसरा नंबर बार बार पूछा जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म को बड़े व्यापक प्रचार प्रसार किया था सम्राट अशोक ने। तो सम्राट अशोक के समय में मौर्य वंश के शासन काल में
251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा यानी कि जो वर्तमान में पटना है उसी को पाटलिपुत्रा बोला जाता है और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे मोगालिपुत्तिस। और चतुर्थ बौद्ध संहिति मैंने यहाँ पे लिखा है, वहां पे जगह नहीं था, प्रथम शताब्दी यानी ईसा पूर्व खत्म हो गया, प्रथम शताब्दी में कश्मीर में किया गया था। जी किसके उस समय राजा कौन था? कनिष्क था। किस शासन के? कुषाण वंश का था, ठीक है। और उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा था बौद्ध धर्म। आगे बौद्ध धर्म का बड़ा व्यापक प्रचार प्रसार होता है, बहुत सारे जगहों पे इनका मंदिर बनाए, स्तूप बनाए जाते हैं। पूछा जाता है स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप मेरे इस गुरुकुल पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बहुत मेहनत कर रहे हैं और बिना आपके सहयोग से कोई भी चैनल आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं रोज आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, अच्छा अच्छा वीडियो बना रहा हूं। ये सारे चीज हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही कहानी के तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।